Hello students, now today we will read about bridge. Bridge works on layer 2, that is in the data link layer. Bridge is little intelligent than hub. Now what bridge do? Bridge inspect incoming traffic and decide whether to forward or reject. It checks source and destination MAC address. Bridge जो है hub के comparison में little intelligent है. ये क्या करता है, जो भी traffic आ रहा है, जो भी message आ रहा है, वो ये decide करता है bridge कि उसको आगे forward करना है या reject करना है. Okay? To understand the concept of bridge, let us consider this example. Suppose in this bus topology, we have these two segments of computers, A, B, C, D, E, F, G, H. These all computers are in a network, and these computers are connected through this bridge. Okay? What bridge do exactly? Bridge actually करता क्या है? अगर if we talk about in general terms like what bridge do, then bridge generally connects two different places. Okay, here also we are divided our computers in two segments, A, B, E, F in one segment and C, D, G, H in another segment. Now we are connecting these two segments through bridge. Here segment 1 is connected through port 1 and another segment is connected through bridge port 2. Okay, so bridge actually karta kya hai? Bridge actually maintain karta hai ek bridge table ko, jiske andar ki wo port number aur MAC address note karke rakhta hai. तो पोर्ट कितने हैं यहाँ पर, 1 and 2. तो यहाँ पर होगा 1 and 2. फर्स्ट टाइम ब्रिज को पता नहीं होता कि वो किस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है. सपोज ये जो सिस्टम ए है, ये सेंड करना चाहता है मैसेज किसको, इस सिस्टम एच को. तो किसके थ्रू आएगा मैसेज? मैसेज आएगा ब्रिज के थ्रू. अब ए ने ब्रिज के थ्रू एच को मैसेज सेंड किया. मैसेज के अंदर क्या है, सेंडर का आईपी एड्रेस एंड रिसीवर का भी आईपी एड्रेस. ओके, अब ए का जो मैसेज है वो ब्रिज के पास गया, तो ब्रिज ने देखा कि मैसेज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके पोर्ट नंबर 1 पे आ रहा है. तो पोर्ट नंबर 1 पे कहाँ, किसका आया है, ए का. तो ए का जो मैक एड्रेस होगा, जो भी एक्स वाई जेड इसका मैक एड्रेस होगा, वो इसमें नोट करके रखेगा ब्रिज. अब इसने ए का मैक एड्रेस नोट कर लिया. अब एच का मैक एड्रेस अभी इसको पता नहीं है, तो ब्रिज ऑल्सो ब्रॉडकास्ट सिग्नल और मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा. जब तक उसको एच का पता नहीं है, ए का पता क्यों चला उसको, क्योंकि वो ए से आया, ए से मैसेज आया और पोर्ट 1 के ऊपर आया. तो ब्रिज को पता चल गया कि ए जो है वो किधर है, पोर्ट 1 के है तरफ है. लेकिन अब उसको एच का पता नहीं है, एच का पता नहीं है कहाँ है. तो ब्रिज क्या करेगा, यहाँ भी बी को, ई को, एफ को, सी, डी, जी, एच सबको ये मैसेज जो है सेंड कर देगा. अब जो रिसीवर का आईपी एड्रेस है वो किससे मैच होगा, एच से मैच होगा. तो एच उस ब्रिज को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ मुझे अपना मैसेज रिसीव हो चुका है. जब ब्रिज को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, पोर्ट 2 पर मिलेगा. तो ब्रिज को पता चल जाएगा कि एच जो है वो मेरे पोर्ट 2 पर है, ठीक है, मतलब वो उसके राइट में है, पोर्ट 2 पर है. तो अब क्या करेगा, ब्रिज पोर्ट 2 के ऊपर एच का मैक एड्रेस को नोट करके रख लेगा, ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम सपोज बी को एच को मैसेज सेंड करना है, तो बी को, बी ने मैसेज किसको भेजा, ब्रिज को भेजा. कहाँ पे आया, ब्रिज के 1 नंबर के पोर्ट पे आया. तो अब उसने क्या करा, बी का भी मैक एड्रेस नोट कर लिया. ओके, कि बी का मैसेज पोर्ट 1 पे आया, मतलब कि वो किधर है, उसके पोर्ट 1 पर है.
अब उसको एच को भेजना है, तो उसको पता है कि उसने अभी अभी एच को भेजा है, तो एच उसके किधर है, पोर्ट टू पर है, तो ब्रिज क्या करेगा, अगेन ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को, लेकिन वो किधर करेगा, अपने पोर्ट टू के, पोर्ट टू पर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी को वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिज भी ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन हब क्या करता था, हब जो था, हब सभी कंप्यूटर्स को, नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम होते थे उन सभी को मैसेज फॉरवर्ड करता था, लेकिन ब्रिज के केस में क्या है, ब्रिज सभी को ना करके एक पर्टिकुलर जिधर सेगमेंट में जिसको पोर्ट टू का उसको पता है तो वहाँ करेगा, लेकिन यहाँ आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ब्रिज भी ब्रॉडकास्ट करेगा, दोनों पोर्ट पे भी करेगा, अगर उसको पता नहीं होगा मैक एड्रेस उस केस में। ओके, अभी हम कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल को, इस तरह का एग्जाम्पल, यहाँ एच का पता था तो बी ने मैसेज जब भेजा तो उसने कहा पोर्ट टू, एच किधर है, मेरे पोर्ट टू पर है, तो उसने एच को इधर सबको भेज दिया, और जो इंटेंडेंट रिसिपिएंट होगा एच वो उसको ले लेगा। अब सपोज करते हैं एक केस, ई ने भेजा मैसेज, ई ने भेजा एफ को मैसेज भेजा, किसको भेजा, एफ को भेजा। अब देखिए ब्रिज के वन पोर्ट पर ही ई भी है और एफ भी है, लेकिन मैसेज किसने भेजा, ई ने भेजा एफ को भेजा, तो ई का मैसेज जब ब्रिज के पास गया तो ब्रिज ने क्या देखा, ब्रिज ने देखा कि हाँ मेरे पोर्ट नंबर वन के ऊपर एक मैसेज आया है ई से, तो उसने ई का पोर्ट वन के ऊपर अपना मैसेज, अपना इसका मैक एड्रेस नोट कर लिया, लेकिन अभी तक एफ को मैसेज पहले नहीं मिला था, इसलिए जो ब्रिज टेबल है ब्रिज की उसमें उसने अभी तक एफ को नहीं लिखा है, तो अब क्या करेगा ब्रिज इस केस में, ब्रिज को पता नहीं है कि वो किधर है एफ, क्योंकि उसका मैक एड्रेस उसको पता नहीं है, तो ब्रिज क्या करेगा, सभी पूरे नेटवर्क के अंदर उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब इधर पोर्ट वन पे भी और पोर्ट टू के ऊपर भी, तो फिर उसको जब एफ मैसेज लेकर एक्नॉलेजमेंट देगा तो उसको पता चलेगा कि एफ कहाँ है, एफ भी मेरे पोर्ट वन पर है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है कि बी को एफ को मैसेज सेंड करना है, तो अब उसको पता है ब्रिज को कि बी कहाँ है, पोर्ट वन पर है, एफ कहाँ है, पोर्ट वन पर है, तो अब वो क्या करेगा, पूरे मैसेज को पोर्ट वन के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगा, तो ब्रिज ब्रॉडकास्ट करता है बट किधर, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ करेगा पोर्ट पर, और अगर उसको मैक एड्रेस पता नहीं है किसी भी एक सेगमेंट में वो कब करेगा, जबकि उसको पोर्ट नंबर पता है, लेकिन अगर उसको पोर्ट नंबर पता नहीं है तो फिर तो वो अपने दोनों पोर्ट के ऊपर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ जो कोलिजन होगा वो होगा कोलिजन डोमेन, यहाँ क्या है हब के कंपैरिजन में कम होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही था, यहाँ पर दो रास्ते हैं, है ना, दो पोर्ट है, तो यहाँ जो कोलिजन होगा वो उसके कंपैरिजन में, हब के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिज। आपको इसके नोट्स जो मैं पीडीएफ मैंने शेयर किए उसके अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच देखते हैं, ब्रिज में अभी इतना। आई जस्ट होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, थैंक यू।